आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। झारखंड भाजपा कार्य समिति की हजारीबाग में चल रही दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा सहित सांसद और विधायक व अन्य सभी कद्दावर नेता शामिल रहे। कार्य समिति की बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गान के साथ किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश लगातार सभी तरह के चुनौतियों का सामना करने में कृतिमान स्थापित कर निश्चित रूप से इस पर विशेष चर्चा होगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस बैठक में पार्टी कई अहम निर्णय लेने जा रही है। वहीं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में हम लोग झारखंड के मुद्दे पर कई अहम चर्चा करेंगे। हमें कोविड से एक तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रखने का जो वादा है वह वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है कि कोविड से हम बाहर निकल गए। अभी भी संकट चुनौती हमारे सामने बहुत है, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और आज हम यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रदेश के हमारे प्रदेश समिति के माननीय सदस्य हैं उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कई ऐसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्य समिति की जब बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से राज्य के ऐसे विषयों पर और इस समय जो देश अपना पंजीकरण करा ले तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है सभागार में प्रवेश करें, स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए झारखंड से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।